डिपार्टमेंट में काफ़ी शोर है तो आप लोगों की मेरी आवाज़ नहीं आनी, तो मैं भी चलती हूँ क्लास में। कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे अब्बू डब्बू तशरीफ़ ले आए हैं, लेट लतीफ़ है एज़ यूजुअल, और अभी प्रेजेंटेशन की बस तैयारी हो रही है। सेट वेट कर लें फिर प्रेजेंटेशन देंगे। चलें भाई, अभी हम एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहे हैं। पहले हमारा इधर लेक्चर होना था पर अब पता चला उधर लेक्चर होना, तो फिर अब हम दूसरे वाले रूम में जा रहे हैं क्योंकि हमें देनी है प्रेजेंटेशन। हम जा रहे हैं, बस इतना चल के आ गए, अभी लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा भाई, अभी हमारी प्रेजेंटेशन थी, प्रेजेंटेशन हमारी हो गई। और यार बताना कैसी प्रेजेंटेशन हुई हमारी। लैपटॉप कन्वर्टर, हाँ समाओ हमारा लैपटॉप कनेक्ट हो गया, फिर हमने प्रेजेंटेशन तो दी है और मुझे लग रहा है कि अच्छी हो गई है, पर अलीशा को लग रहा है कि अच्छी नहीं हुई। और फिर सी अपने मोबाइल में लग गई आपके साथ, और अभी हमारे इसके बाद मतलब 12 बजे से लेके 5 बजे तक हमारे कंसेक्टिव लेक्चर्स हैं। अभी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं है, लेकिन खैर वो सर थोड़ी जल्दी चले गए थे तो हम बाहर आ गए। फिर बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हैं, और अभी मैं क्या आप लोगों को डिपार्टमेंट ही दिखाई जा रही हूँ, ये गाड़ियाँ देख लें। क्या करूँ मैं, अभी प्रेजेंटेशन दे के आए हैं, दिमाग ज़रा घूम गया, लेकिन खैर इतनी मुश्किल प्रेजेंटेशन तो नहीं थी। और बनवा के आते हैं, सारा खराब करवा के आ जाते हैं, कोई बंदा क्या डाल देता है, कोई बंदा क्या डाल देता है। और अपने दुखड़े रो रही हैं और बस मैं इनको खा रही हूँ। क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है। खैर ईशा जो है वो अबू डब्बू को मशवरा दे रही है, अबू आप इतना गुस्सा ना किया करो। ईशा तो आजकल एब्सेंट माइंड है भाई, इसको कुछ याद नहीं रहता क्या हो रहा है इसकी ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम, कैमरामैन चित्रा के साथ आप देख रहे हैं फबिया व्लॉग्स। और आज मैं यूनिवर्सिटी थोड़ा लेट आई हूँ, एक लेक्चर मैंने स्किप किया। और ये जो मेरी बहनें हैं और मेरे वालिद साहब वो खड़े हुए हैं, और जो मेरी बहनें हैं वो नली पे बैठी मेरा इंतज़ार कर रही हैं। इतनी मोहब्बत, ओह माय गॉड, बहुत सारी मोहब्बत। हमारा खूबसूरत डिपार्टमेंट, गाड़ियों की भरमार, बहुत अमीर लोग हैं भाई। मैं सिदरा बतूल नहीं हूँ, सीरियसली ये मेरी बहनें बैठी हुई हैं, ये अब्बू खड़े हैं, इनकी सिर्फ आप लोग टांगे ही देख सकते हैं क्योंकि ये भी हमारी यही कुछ। अच्छा अभी क्या हुआ है कि हमने अपना प्लान बनाया कि हम कैंटीन जा रहे हैं, लेक्चर स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम रहता है, लेक्चर स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम रहता है, तो हमने सोचा कि भाई कैंटीन से कुछ ले लेते हैं। मेरे फ़ोन पे नहीं करनी होती यार, आपका फ़ोन आपके पास है ना, ये आप देख लें कैंटीन के हालात। सब लेक्चर रूम कार्टून, वी आर गोइंग टू कैंटीन, लेक्चर रूम में मैं बुला रहा लेकिन नहीं मिलेगा। ज़्यादा नज़दीक कर लो, ये लो इतना नज़दीक कर लो, बस करो क्या हो गया। ये एक आधा जूस सदरा ने लिया, पानी की बोतल ली, और अबू डब्बू ये दो लेक्चर्स में ये खत्म करेंगी, जूस दिखाएं अपना। दो नहीं, ये घर जाके खत्म करेंगी, ये ऐसे पीती है ना ऐसे, मतलब जूस के लिए बंदा क्या क्या कहे, कहने के लिए अल्फाज नहीं है। खैर
अभी हम चारों इधर खड़े हैं, अभी लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। हम चारों इधर क्यों खड़े हैं? ये पानी की बोतल लेनी है इसकी, उसको भेजा हुआ है, तो फिर हम जा रहे हैं लेक्चर लेने के लिए। और ये आप लोग देख सकते हैं एग्रीकल्चर कैंटीन के हालात, गर्मी भी हो गई है वैसे। आप आज लेट आई थी, इन्होंने पहला लेक्चर मिस कर दिया अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे लोगों की बेकार प्रेजेंटेशंस देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हमारी प्रेजेंटेशन दिया बेटा में, ये हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, ये कह रही है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था आपकी प्रेजेंटेशन। वो इसका तो मूड ऑफ है भाई, कल ही ठीक होगा, अब ये फिर कल ही आप लोगों से सही तरीके से बात करेगी। बेइज्जती तो हुई है, फील ना करो ये ना करो अलग बात है। ये कहा कि आप लोगों ने प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दी थी, सर को बहुत गुस्सा था कि हमने नहीं दी। मुझे लगता है उस लड़की ने दी, मेरा बाप है लेकिन इसके सारे खर्चे मैं उठाती हूँ। ये पानी की बोतल जिसको लेने में हमें इतनी देर इंतजार करना पड़ा। खैर अभी हम जा रहे हैं अपना लेक्चर लेने के लिए, और आप देख सकते हैं सिद्रा तो राजी आज नया बस्ता ले आई है अपना, ये अपना बस्ता चेंज कर रही है। ऑडियंस सारे बस्ते को नजर लगाएगी, कल ही फट रहा है। ये मेरे तीन दोस्त, अभी हम क्लास में आए और पता चला कि लेक्चर कैंसिल हो गया। इसके पास नेटफ्लिक्स आई ना, मैं नेटफ्लिक्स यूज नहीं करती। अच्छा भाई अब कौन सा नेटफ्लिक्स यूज करना पास है? बिल्कुल मेरे लिए अब हमारा लेक्चर ही नहीं है, कैंसिल हो गया, अब क्या करना है? अगला लेक्चर होगा जल्दी खिलाते हैं। एमसी नहीं जा रहे हम, लेक्चर नहीं हो रहा, लेक्चर नहीं हो रहा। हेलो अभी हमारा जो लेक्चर था ना जो लेने जा रहे थे हमें सडन सरप्राइज मिला कि ड्यू टू सम रीजन हमारा लेक्चर कैंसिल हो गया। इधर से जा रहे हैं, अच्छा तो वो वाला लेक्चर हमारा कैंसिल हो गया। और अभी अबू डबू जो है हमें ईशा ने लैपटॉप उठाया हुआ है अलीशा का। ये है हमारी यूनिवर्सिटी का वीसी ऑफिस, ठीक है। और एमसी जा रहे थे हम, तो काफ़ी देर लगती है ना एमसी जाते हुए। ये देखेंगे पॉइंट्स इस साइड पे ना पॉइंट। अब आप मेरी दोस्तों को देख लें, हम थक गए थे तो फिर यहाँ बैठ गए थोड़ी देर के लिए। पानी किधर गया? देखा तो आगे, देखा तो रुईपा का सारा बिस्तर गीला, रुईपा सही पड़ी। ये अपनी कोई घर की स्टोरी सुना रही है। और इस साइड पर जो है ये वाली फैकल्टी है, साइंस फैकल्टी, उसकी बैक साइड है। और इस साइड पर ये वी सी ऑफिस है। और इस साइड पे जो है वो पॉइंट प्लेस है, मतलब एमसी मेन कैंटीन है इस साइड पे, अगर आप इधर चले जाएं, ठीक है। और ये जहाँ से पॉइंट आ रहा है ना, इधर हमारा कैंपस, ओए ओए क्या कह रही हूँ, कैंपस हाँ। हमारा डिपार्टमेंट है, मेरा दिमाग घूम गया आज, पता नहीं मुझे क्या हो गया। खैर ये पॉइंट भी देखें आप लोग, और भी पॉइंट चल रहे हैं, मतलब हर आधे घंटे बाद पॉइंट चलते हैं, तो फिर पॉइंट्स आते ही रहते हैं। ये मेरा बस्ता उठा के आ रही है, मेरा बैग लेके आ रही है मेरी बहन, हाँ जी इतनी मट्टी लगी। ये है या हाँ नहीं लगी हुई, थोड़ी सी आगे लगी हुई है, तुम्हें नहीं लगेगी। चलो यार चलें, थैंक यू। ये इसका टिश्यू भी देख लो। मेरा टिश्यू, थैंक दूंगी। एम सी हम क्यों जा रहे हैं भाई? हमारे अबू डब्बू हमें एम सी लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं ये आपको वहाँ जाके बताते हैं हम। ये लो यार, अभी जो है हम एम सी आ गए हैं, और आप लोग यहाँ पे हालात देख सकते हैं, इतनी आवाम है, ये पॉइंट्स की वजह से थोड़ी कवर हो गई है, इतने लोग हैं, इतने लोग खड़े हैं ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मतलब हर आधे घंटे बाद आवाम आ रही है, और इतनी आवाम है ना भाई, हद ही हो गई है। और ये देखें अभी उस साइड पे जाके मैं शूट नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे गार्ड्स खड़े होते हैं, और वो मुझे कैमरा देखेंगे ना तो मुझे भगा देंगे वहाँ से। खैर अभी मेरी दोस्त मेरा इंतज़ार कर रही हैं कि मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी कि कितनी अमाम है, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। खैर इस बार यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा एडमिशन हुए हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है यूनिवर्सिटी में। और ये है 3 days परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल, ये आर्ट फेस्टिवल भी हो रहा है, और अगर 25-26 November हमारी क्लासेस नहीं हुई तो हम जाएँगे लाजमन इसको अटेंड करने के लिए।
आ गए हैं क्योंकि हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, तो अब हम जा रहे हैं डिपार्टमेंट। ये 3:30 पे क्लास स्टार्ट होगी और 5 बजे ख़त्म होगी, तो बस हम जा रहे हैं। अबू डब्बू अपने मोबाइल में मसरूफ। फाइनली वी आर डन विद द डे। मैं बीच में खचवार में आ गई। चलिशा बैग पहन लिया तो उठ जाओ। फाइनली वी आर डन विद द डे एज वेल। क्या एज वेल? कुछ भी एज वेल नहीं। अच्छा अभी क्या है, सारी क्लास भाग गई, हम भी जा रहे हैं। आपकी शाह की तैयारियाँ। अबू डब्बू हर टाइम अपने मोबाइल में। कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये फ्लावर्स। और ये है साइंस फैकल्टी है आई थिंक। और ये जो है ना सामने, ये BBT डिपार्टमेंट है, ठीक है। और ये मेरी फ्रेंड्स खड़ी हैं यहाँ पर मेरे इंतज़ार में कि भाई मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। और बस जा रहे हैं हम MC। हमारा लेक्चर अभी ख़त्म हो गया है। आज एक सीन हुआ कि न्यू कमर्स है ना, मतलब अभी भी इनकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो हमारी क्लास में ना अभी प्रेजेंटेशन चल रही थी मेरी और सिद्रा की, ऑफ मेरी और अबू डब्बू की प्रेजेंटेशन थी आज। उस बच्चे ने दरवाज़ा खोला है और कहते हैं ये फर्स्ट सेमेस्टर है, पता नहीं किसी ने उसको जवाब दिया है ना, ये अंदर आके बैठ गया। इवन के सर पे बैठे हुए वो फिर अंदर आ गए, मतलब कि भाई फ्रेशर्स। फिर बेचारा इतना कंफ्यूज हुआ है, उसकी इतनी बेइज्जती हुई है, फिर वो फटाफट क्लासरूम से बाहर चला गया। तो भाई ये सब सीन्स जो है ना यूनिवर्सिटी में होते रहते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आप होते ना, तो आपके साथ थोड़े बेइज्जती वाले सीन और ऐसे सीन ना चलते रहते हैं। खैर फिक्र नहीं करनी, कोई बात नहीं। और जितने भी फ्रेशर्स हैं भाई, आप लोग इतना शर्मा के क्यों चलते हैं? ऐसे दूर से पता चल जाता है भाई ये तो कोई फ्रेशियर जा रहा है, क्योंकि वो इतना शर्मा के बैग शैग लेके मम्मी डैडी बच्चे बन के भी आ जाते हैं भाई। यूनिवर्सिटी में पहले 2-3 हफ्तों में ना कोई पढ़ाई नहीं होती, तो आपने कोई बैग नहीं लेके आना, तो दूर से पता चल जाता है कि ये नया बैग नया यूनिफॉर्म, तो ये फ्रेशियर ही है। तो खैर अभी 1-2 सेमेस्टर आप गुजारेंगे, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि फिर तो आप दूसरों को गाइड कर रहे होंगे भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है। खैर ये सब चीज़ें हमारे साथ भी हो चुकी हैं, और बातें करते करते देखिए हम कहाँ पहुँच गए हैं। और ये स्टेट्स का डिपार्टमेंट है, यहाँ से भी हम बाहर चले जाएंगे और फिर MC। ये क्या हो गया हमारे साथ हैं यूनिवर्सिटी। सिद्रा ने अपने बैग से जादू करके ये क्या निकाल दिया है, ये आप लोग देखें फ्राइज। और ये आप लोग देखें बर्गर। इसे मैक चिकन कहते हैं। बेइज्जती हो गई। यार दोबारा बंद करो एक मिनट। अच्छा भाई हम पंजाबी लोग हैं ना, हम देसी लोग हैं, हम कहते हैं बर्गर, अंडे वाला बर्गर। अबू डब्बू होता ना अभी शोर मचाते हैं, अंडे वाला बर्गर। यार ये दिखाओ ना, इनको दिखाते हैं। चलो ये देखें, ये मैक चिकन है और ये मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ, ये देखें। यार ये सुबह से अपने बैग में लेके घूम रही है और इसने ना उसका कचूमर निकाल दिया, इतना ठंडा हो गया। और हाँ इसका मूड नहीं था खाने का। और ये फ्राइज जो कि ठंडे हो चुके हैं, हम इसको कह रहे हैं बहन तो अपने घर ही ले जा। अच्छा मैं क्या कह रही थी, आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, ठीक है भाई। और मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में कल के दिन, और जो होगा कल फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप लोगों ने अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं ना, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ, ठीक है। और अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बाय बाय।